हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। एग्जामपुर परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक बेहतरीन मौका है, एक बढ़िया चीजें लेकर आ रहे हैं विवेक सर, जो कि आपका परिवर्तन 3.0 है। परिवर्तन 3.0 आ रहा है। आप सभी को, आप सबको पता है कि 2024 में आपका चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है 2024 में। तो सरकार अब एक्टिव हो जाएगी और जो भी भर्तियां पेंडिंग है या जो भर्तियां आने वाली है, सरकार ने कमिटमेंट कर रखा है, उन भर्तियों को रिलीज करना अब शुरू कर दिया है सरकार ने। तो उन सभी के लिए, उन सभी छात्रों के लिए जिनका सपना है कि 2023 में, यानी कि जब आप अपना 2024 में अपना जन्मदिन मना रहे होंगे, तो आप अपने सरकारी नौकरी के साथ अपना जन्मदिन मनाने का जिसने भी सपना देखा है, उन सभी के लिए एक बेहतरीन मौका है और लेकर आ रहे हैं परिवर्तन 3.0। तो 26 मार्च को सुबह 11 बजे 26 मार्च को सुबह 11 बजे आप सभी लोग लाइव आ जाना एग्जामपुर मेन चैनल पे और आप इस ऑफर का, इस सरप्राइज का लाभ उठाना, क्योंकि ऐसा मौका यूट्यूब की दुनिया में शायद ही कभी फिर मिले। ठीक है, तो इस मौके को गंवाना नहीं है। और मैं कहता हूं कि बहुत लोगों के साथ समस्याएं होंगी, लेकिन उन समस्याओं से, तो मैं चाणक्य का नाम आपने सुना होगा, चाणक्य की एक लाइन है कि कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने के लिए और श्रेष्ठ गुण है। ठीक है, शिक्षा देने के लिए श्रेष्ठ गुण है। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वही विजयी होते हैं। तो समस्याएं सबके साथ है और इस इंसान को आप देख रहे हैं, ये चाणक्य है। जिस जो भी पढ़ाई करते होंगे इनके बारे में आपको बेहतरीन रूप से पता होगा कि एक बहुत ही बड़े राजा थे जिनका नाम था क्या, घनानंद। घनानंद के दरबार में ये मंत्री थे, घनानंद के दरबार में मंत्री थे और घनानंद ने इन्हें बेइज्जत करके, यानी कि बहुत ही अपमानित करके अपने दरबार से निकाला था और कहा था कि दोबारा मुझे नजर मत आना। तो इन्होंने वहां पर क्या किया था जानते हैं, अपनी जो चोटी, ये जो चोटी लटाए देख रहे हैं, चोटी देख रहे हैं, ये चोटी ये बांध के रखते थे, उन्होंने वहां पर अपनी चोटी खोल दी और कहा कि मैं अब तभी ये चोटी बांधूंगा जब आपका संपूर्ण विनाश हो जाएगा। तो और समय, बहुत दिनों तक, बहुत समय तक इन्होंने इंतजार किया। तो समय का इंतजार करना और विपत्ति, उस समय विपत्ति थी, चाहते तो ये कोई गलत फैसला ले सकते थे, लेकिन एक चरवाहे बच्चे को जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, विश्व विजेता बनाया इन्होंने अपनी समझ और बूझ से। तो मैं कहना यही चाहता हूं कि कभी भी किसी के अपमान का बदला तुरंत तुरंत नहीं देना चाहिए, और अपमान, जब भी कोई आपका अपमान करे तो वहां से चुपचाप उठकर और चले आइए और उसके बाद में सही समय का इंतजार करिए। जैसे कि आपको भी बहुत लोग बोलते होंगे कि आपसे नहीं हो पाएगा, पढ़ाई कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो उन सब चीजों को सुनिए, वहां पर कोई जवाब देना उचित नहीं है। आप वहां से उठिए और चुपचाप चले आइए और उसके बाद में समय का इंतजार करिए और उस जो आपका अपमान है, उस अपने अपमान को आप हथियार बना लीजिए और उस अपमान को दिल में बैठा के हथियार बना के और एक दिन इतना सक्सेस हो जाइए उन चीजों का बदलाव कि वही जो इंसान आपका अपमान कर रहा है वही आपसे बोलते हुए घबराए, और उस इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए जो आपका अपमान करते हैं। तो ये चीज हमें इनसे सीखनी है और इन सभी चीजों को, समय का सही इस्तेमाल करिए और एक दिन जब आप एक दिन सक्सेस होंगे तब वही जो लोग आपका अपमान करते थे, आपसे बोलते थे, वही लोग की भावनाएं बदल जाएंगी, बात करने का तरीका बदल जाएगा और उन्हें तब अपनी बातों की, अपने गलतियों का एहसास होगा कि मैंने गलत आदमी से गलत कमिटमेंट कर दी थी। तो अपमान को तुरंत जवाब न देके उसको हथियार बनाकर सही समय में उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ, तो इन्हीं सब चीजों को मैं जानता हूं तैयारी के टाइम में बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो इस समय हम लोगों को क्या करना है कि कान बंद कर लेना है और सही समय का इंतजार करना है। जवाब हम देंगे और हम नहीं, हमारा सक्सेस उनको जवाब देगा। अपने अपमान को औजार बनाइए और सही समय पर जवाब दीजिए और उसी समय, सही समय को लाने के लिए और उसी सही समय के चीजों को धार देने के लिए और आपके जो आपका अपमान हो रहा है उन्हीं को और आगे बढ़ाने के लिए आप लोग 11 बजे 26 मार्च सुबह 11 बजे आप जुड़ना ना भूले। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर।